सो हेलो स्टूडेंट, सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्योंकि हम जो है वो सिलेबस का भी डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी कंटिन्यूशन में हम बढ़ते हैं। हमने 2008 तक के कुछ क्वेश्चंस का कर लिया था, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन आ रहा है ये 2008 पेपर वन से है। इसमें अ गैस डिस्क्राइब बाई वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, वॉन्डर वॉल इक्वेशन का मतलब हो गया कि हम किसी रियल गैस की बात कर रहे हैं। गैस डिस्क्राइब बाई वॉन्डर वॉल इक्वेशन मीन्स हमारे पास में एक रियल गैस है। अब रियल गैस के लिए क्या क्या जो है करेक्ट है इसमें से, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो गैस ए रियल गैस बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। जैसे पिछले वीडियो के अंदर आपने किसी एक क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, हम मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, तो लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया बहुत लो प्रेशर हो जाएगा। तो लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब लो प्रेशर रीजन होगा, लो प्रेशर रीजन का मतलब हो गया कि एक रियल गैस बिहेव नियरली एज एन आइडियल गैस, तो ए तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा। नाउ बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, नो, लार्ज प्रेशर में तो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाती है, तो बी ऑप्शन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। नाउ इज कैरेक्टराइज्ड बाय वान डर वाल्स कोएफिशिएंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस बट आर इनडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि रियल गैस को हम दो वान डर वाल कॉन्स्टेंट से डिस्क्राइब करते हैं, एक हो जाता है हमारा प्रेशर करेक्शन कॉन्स्टेंट, ठीक है, स्मॉल ए, और दूसरा हो जाता है वॉल्यूम करेक्शन कॉन्स्टेंट, दैट इज स्मॉल बी। और ये एक गिवन गैस के लिए जो ए और बी की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, तो ये ए करेक्ट हो गया हमारा, बी करेक्ट नहीं होगा, सी करेक्ट हो गया। नाउ फिर ये कह रहा है कि हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। अब यहां पर एक थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि अब गैस का, रियल गैस का जो आपने प्रेशर मेजर किया है वो किस कंडीशन में मेजर किया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम बिल्कुल हाई प्रेशर रीजन में किसी गैस का प्रेशर मेजर करेंगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, और रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो एक आइडियल गैस के प्रेशर से ज्यादा आ जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर हम लो प्रेशर रीजन के अंदर किसी रियल गैस का प्रेशर अगर मेजर करेंगे तो फिर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से जो है वो जो रियल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट भी है और ऑप्शन डी इनकरेक्ट भी है, क्योंकि जनरली अगर हम देखते हैं तो रियल गैसेस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैसेस के प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम होता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, बट इन सम केसेस द प्रेशर ऑफ रियल गैस कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन आइडियल गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो कंप्लीटली हम ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा, ऑप्शन डी सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो आंसर बन जाते हैं, ए और सी तो है ये डेफिनेटली, और ए सी और डी भी हो सकता है। तो देखते हैं ऑफिशियल आंसर की के अंदर क्या है। ऑफिशियल आंसर की के अंदर देखिए ये दो आंसर जो है वो आए हुए, तो अब ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ होगा इसलिए उन्होंने जो है दो आंसर्स को कंसिडर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन हमारे पास में 2008 का जो पेपर वन है उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे 2008 के अंदर। ये कह रहा है फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट। अच्छा, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन, अब डेल्टा जी नॉट तो आपको पता है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। अभी पिछले वीडियो के अंदर किसी एक क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर वन हो गई तो फिर डेल्टा जी नॉट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट सारी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि सारी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया एवरी केमिकल रिएक्शन, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है, और ये बड़ा ईजी है। स्टेटमेंट वन जब फॉल्स होता है तो एक ही आंसर होता है, आपको स्टेटमेंट टू देखने की जरूरत नहीं होती, बट इसमें आप देख लेना है, कभी कभी एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन चेंज कर देता है, हमारी जो एक हैबिट होती है उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन चेंज कर देता है। बट यहाँ पे चार ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट वन हमें फॉल्स नजर आ रहा है, सो आर आंसर इज डी। हम स्टेटमेंट टू को भी देख लेते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिब्स एनर्जी। एक वेल नोन स्टेटमेंट है कि रिएक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिस डायरेक्शन में उसकी गिब्स एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो जिस डायरेक्शन में गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर डी है, गुड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ये एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड 2008 से है. सो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सम सॉल्ट्स MX, MX2 एंड M3X एट टेम्परेचर T आर गिवन. सॉलिबिलिटीज ऑफ द सॉल्ट्स एट टेम्परेचर T आर इन द ऑर्डर. देखिए ये जो तीन टाइप के सॉल्ट है, ये जो है हमारे पास में तीन अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स है, हम इनको सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कहेंगे. जैसे NaCl है, AgCl है ना, CuCl है, ये एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनायन. लेकिन यहाँ पे जो हमारा एनायन है वो तो इलेक्ट्रोवैलेंसी वाइज सेम है, बट कैटायन जो है वो अलग अलग टाइप का है. तो आप डायरेक्टली सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की हेल्प से नहीं कहोगे कि जिसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज KSP स्मॉल है उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, जिसका KSP बड़ा है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी. ऐसा हम तभी कहेंगे जब सारे सॉल्ट्स जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी वाइज आइडेंटिकल होते हैं, फॉर्मूला वाइज आइडेंटिकल होते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था NaCl, AgCl, CuCl. बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन है उसको यूज करना है. तो देखिए आपके पास में अगर कोई इस टाइप का सॉल्ट है AXBY टाइप का, तो इसके लिए जो KSP का एक्सप्रेशन होता है सॉलिबिलिटी की टर्म्स में, वो X^X इंटू Y^Y इंटू S^X+Y. तो इसके अंदर इन सारे डेटाज को सब्सिट्यूट करके आप बता सकते हो कि क्या रिलेशन होगा. तो देखिए हमारे पास में एक जो है वो MX टाइप का सॉल्ट है, तो फिर जो MX टाइप के सॉल्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो जो KSP होगा वो S² के बराबर हो जाएगा, और S की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये रूट ऑफ KSP आ जाएगा. ना फिर हमारे पास में इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो MX2 टाइप का सॉल्ट है, तो ये MX2 टाइप के सॉल्ट के लिए एक्सप्रेशन होगा KSP इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 4S³. X जो है वो 1 हो गया, लेकिन Y जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया. सो 2^2 दैट इज 4, और S^1+2 दैट इज 3. तो अब इसको जो है आप S के लिए सॉल्व कर सकते हो. ये S1 ले लेते हैं, ये S2 आ गया हमारा, ठीक है. जस्ट सॉलिबिलिटी को हमने डिफाइन कर दिया. तो ये जो है KSP जो होगा इस सॉल्ट का अपॉन 4^2, ये हमारे पास में 1/3 जो है इसकी पावर हम ले लेंगे इस चीज के लिए. तो इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये क्या एक्सप्रेशन हमारा आता है. सिमिलरली ये जो हमारे पास में M3X टाइप का जो सॉल्ट है, M3X टाइप का सॉल्ट, इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो देखिए अब X की वैल्यू जो है 3 हो गई और Y की वैल्यू जो है 1 हो गई. तो 3^3, तो इसका मतलब है 3^3 जो हो जाएगा 27. तो 27 टाइम्स ऑफ S^3+1 दैट इज 4, और इसको फिर आप S के लिए सॉल्व कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि S1, S2, S3 का ऑर्डर क्या है. तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट हो गया, तो इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं क्या है. हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हमारा एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो आ सकता है. तो अब ये सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा किसका एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो क्या होगा. मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. तो देखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो अगेन आपको रिवाइज करने की जरूरत है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और ये यहां पे कह रहा है देयर इज अ नेचुरल एसिमेट्री, दैट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेचुरल एसिमेट्री की बात कर रहा है ये. और नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क. बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ये कह रहा है देयर इज अ नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क. इसका मतलब है कि कंप्लीटली वर्क को हीट में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है और कंप्लीटली हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है. एक एसिमेट्री, एसिमेट्री नहीं है कि आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दो और वर्क को हीट को वापस से वर्क में कन्वर्ट कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल. यहां पे एक कंप्लीट एसिमेट्री है. सिंपल सा जैसे हम कह सकते हैं वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इंटू हीट. रिमेंबर, लिसन केयरफुली, वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इंटू हीट. जैसे जो हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो वर्क डन जो होगा इज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज. तो यहां पर वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, लेकिन हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क, बिकॉज हीट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंट्रोपी. तो कुछ पार्ट जो है हीट का वो एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली वर्क में नहीं जा पाएगा. तो कुछ ही पार्ट हीट का वर्क में जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो हीट का होगा वो एंट्रोपी में चला जाएगा. सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बिकॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हीट ऑल्सो
कैरीज एंट्रोपी, तो वो एंट्रोपी से कन्वर्ट हो जाएगा, एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी कैन से कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क रिक्वायर डिस्ट्रक्शन ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद दैट हीट. वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंट्रोपी, वी कैन क्रिएट एंट्रोपी, वी कांट डिस्ट्रॉय एंट्रोपी. एंट्रोपी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन इसको जीरो नहीं कर सकते. तो इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू हो गया कि देर इज अ नेचुरल एसिमेट्री. एसिमेट्री है, नेचुरल एसिमेट्री है, स्टेटमेंट वन हो गया. अब रीजन देख लेते हैं इसका क्या है. तो ये कह रहा है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वोयर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इन टू वर्क. हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. That's why there is a natural asymmetry between converting work to heat and converting heat to work. तो ये statement one true है और statement two जो है वो इसका एक correct explanation भी हो गया. तो answer A हम expect कर रहे हैं, official answer भी A ही नजर आ रहा है. Next move करते हैं, question number 66 है, paper 2 से 2008 के paper से. ये अगेन मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आ गया और ये जो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है कुछ एटोमिक स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है. तो देखिए इसके अंदर जो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है कॉलम वन के अंदर, वो कह रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होता है. ये एक छोटा सा फाइन पॉइंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, कभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये कैसे रिलेटेड होगा. एजिमुथल क्वांटम नंबर से तो हम रिलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला भी हमें बताया जाता क्लास के अंदर, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई जो है आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अब ये इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है. देखिए आप ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन का किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, उसका आपने एल ले लिया, लेकिन ये एल किस ऑर्बिटल के लिए है. ये एल जो है वो पीएक्स के लिए है, या ये एल जो है वो पीवाई के लिए है, या ये एल जो है वो पीजेड के लिए. इसका एक जेड कंपोनेंट होगा, एक डायरेक्शनल कंपोनेंट होगा. तो उसके बेसिस पे वो जो ओरिएंटेशन वाला जो पार्ट होगा इस एंगुलर मोमेंटम का, जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आएगा. तो इसलिए देखिए ए के अंदर जो है हम एजिमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज करेंगे. आप नोट करिए कि ए का जो आंसर आएगा हमारा वो क्यू एंड आर आएगा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं है. थ्री पी एक्स और थ्री पी वाई का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम ही होगा, बट इसमें एक्स और वाई की वजह से जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा. फिर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन बी, जिसमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पाउली प्रिंसिपल. तो पाउली प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है. ठीक है, द वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट बी सेम. तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होगा और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की बात कर रहा है. हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पाउलीज प्रिंसिपल. तो पाउलीज प्रिंसिपल की बात तभी आएगी जब आप एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हो. तो इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन को करेक्टराइज करना, एक इलेक्ट्रॉन को करेक्टराइज करने के लिए वी नीड फोर क्वांटम नंबर्स, बट एक ऑर्बिटल को करेक्टराइज करने के लिए वी नीड ओनली थ्री क्वांटम नंबर्स पी क्यू एंड आर. तो बी के लिए पी क्यू आर एस सभी हो जाएंगे. फिर ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है, उसका जो साइज है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है और उसका जो ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है. साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. तो एक ऑर्बिटल को करेक्टराइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें सिर्फ तीन ही क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, दैट इज पी क्यू एंड आर. तो सी के लिए पी क्यू एंड आर होगा. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब हो गया कि ये साई स्क्वायर की बात कर रहा है. ठीक है, तो साइज स्क्वायर की वैल्यू तो एक तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, और दूसरा है ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम, न्यूक्लियस का मतलब है हम बिल्कुल ओरिजन पर साइज स्क्वायर की वैल्यू को विजुलाइज करना चाहते हैं. ओरिजन पर साइज स्क्वायर की वैल्यू को विजुलाइज करने का मतलब हो गया कि जैसे देखो सारे एनएस इलेक्ट्रॉन के लिए साइज स्क्वायर ओरिजन पर जो है मैक्सिमम होता है, बट अदर देन एनएस ऑर्बिटल जो भी होते हैं हमारे पास में
या अदर देन ns ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिन पे जीरो होती है. तो ये तो सब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता लग रहा है. तो अगेन एक क्विक रिकैप कर देता हूं मैं कि मेरे अनुसार ए ऑप्शन का जो आंसर है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा. बी चारों पे डिपेंड करेगा. सी जो है पहले तीन पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक पर. और डी जो है वो अगेन मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं और साई स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिन पे मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, दैट इज जीरो होगी. ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्बिटल कौन सा है और उस ऑर्बिटल के अंदर जो है कितने नोड्स है वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों आ जाएंगे. तो ये जो है हमारे पास में ऑफिशियल आंसर भी आप देख सकते हैं कि क्या है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है. गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ आयरन हैविंग मास नंबर 54, 56, 57 और इसका जो हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन निकालना है, तो आप जैसे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ये उस टाइप से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास आयरन का क्या है. तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. इसका आंसर जो है वो बी दिया हुआ है. नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन अ रियल गैस इन द वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन. हमारे पास में एक वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, उस वॉन्डरवॉल इक्वेशन के अंदर जो एक टर्म है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास में एन बी होता है, एन बी रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर एन मोल ऑफ गैस पार्टिकल, और ये जो टर्म है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये बेसिकली हम जो है ऐड करते हैं प्रेशर के अंदर. ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो रियल गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल गैस से कम होता है. तो उसको एक आइडियल गैस के प्रेशर के साथ बराबर करने के लिए हमें उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये कह रहा है द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन अ रियल गैस इन वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो जो हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, उस डेरिवेशन से जो हमारा आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं और वो आंसर हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 2009 से ये पेपर टू का क्वेश्चन है. अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज आर, ये एनर्जेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि स्टेट फंक्शन वगैरह जो है वो क्या होते हैं. तो देखो, स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है उसी पर ही डिपेंड करेगा. इनिशियल से फाइनल कैसे मूव कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा. तो यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शंस इज आर जो है इंटरनल एनर्जी जो है हमारा एक स्टेट फंक्शन है. ठीक है, और इरिवर्सिबल वर्क, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन. तो यहाँ पे दोनों वर्क दे रखे हैं, एक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क और एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क. अब देखिए, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क के अंदर कभी कभार एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है. जैसे हमारे पास में एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्यू अगर हमारा जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल आ जाएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क बिकॉज क्यू इज इक्वल टू जीरो. तो उस टाइप से हम कभी कभी कह देते हैं कि हमारा जो वर्क ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक है वो एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल है. बट ध्यान से अगर देखा जाए तो बेसिकली हम इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसकी बात कर रहे हैं, हम वर्क की बात तो कर ही नहीं रहे. तो इसलिए इन जनरल बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात नहीं हो रही है. तो यहाँ पे इन जनरल अगर हम देखेंगे तो किसी भी टाइप का वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन. तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा, जो मोलर एंथैल्पी है वो एक टाइप का स्टेट फंक्शन होगा. तो ये जो ऑफिशियल आंसर है उसको हम देख लेते हैं. तो ए एंड डी हमारा ऑफिशियल आंसर आ गया और ये इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टेट फंक्शन आ गया. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगेन 2009 के पेपर टू से ये क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. और इसके अंदर ये कह रहा है कि इन ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम ऑफ ए गैस with molecular weight 28 was burnt in excess oxygen at 298 Kelvin. The temperature of calorimeter was found to increase from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin due to combustion process.
given that the heat capacity of the calorimeter is 2.5 kilojoule per Kelvin, the numerical value of the enthalpy of combustion of the gas in kilojoule per mole is. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में कोई भी ये गैस है जिसका मास गिवन है 3.5 ग्राम और उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 28 और उसको एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर हमने बर्न कर दिया. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर जो है चेंज हो गया और कैलोरीमीटर की जो हीट कैपेसिटी है वो गिवन है. ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसकी जो हीट कैपेसिटी है टुगेदर विद इट्स कंटेंट गिवन है. तो हीट एक्सचेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर टुगेदर विद इट्स कंटेंट, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर टुगेदर विद इट्स कंटेंट एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो यहां पर जो भी हमारे पास में हीट कैपेसिटी गिवन है, ये हीट कैपेसिटी जो है वो 2.5 किलो जूल है. तो ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 हमने ले लिया. और चेंज इन टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 298 केल्विन से 298.45 केल्विन हो गया. तो ये 0.45 केल्विन का जो है वो चेंज आ गया. तो ये हीट कैपेसिटी हमारे पास में यूज कर लिया हमने किलो जूल पर केल्विन के अंदर, और ये चेंज इन टेम्परेचर हमने केल्विन के अंदर यूज किया और किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया. तो ये आ गया. अब ये जो हीट एक्सचेंज जो है दैट इज बाय बर्निंग 3.5 ग्राम ऑफ दिस गैसेस सब्सटेंस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 28. अब इसके जो है हम मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस आर गिवन मास दैट इज 3.5 ग्राम अपॉन मोलर मास विच इज गिवन इन क्वेश्चन एज ए 28 ग्राम पर मोल. अच्छा, अब क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए कर्सर से ये कह रहा है कि इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर. इसका मतलब ये जो भी हमारा हीट एक्सचेंज हुआ है, दिस हीट एक्सचेंज इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज हुआ है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होता है दैट इज रिलेटेड विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये हमारे पास में इसको जब हम मोल से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा. सो 2.5 इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 0.45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स जो है ये आएगा हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है एंथैल्पी चेंज. तो इंटरनल एनर्जी चेंज को हमें एंथैल्पी चेंज में कन्वर्ट करना होगा. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब ये जो भी सब्सटेंस है, गैसेस सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला नहीं गिवन है. ठीक है, आप मोलर मास लेकर के कुछ भी फॉर्मूला सोचने की अगर कोशिश करते हो तो वेरियस सब्सटेंसेज हम कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन कंसिडर कार्बन मोनोऑक्साइड, वी कैन कंसिडर N2, इनका मोलर मास जो है वो 28 ही होगा, बट पता नहीं कौन सा होगा. ठीक है, हम जो है कई सारे सब्सटेंसेस ले सकते हैं तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्या होगा. तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डेल्टा एन जी ऑफ दिस रिएक्शन. तो जब तक डेल्टा एन जी नहीं निकलेगा हम डेल्टा यू को डेल्टा एच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो अब एक यहां पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और कंडीशन वो है कि इफ डेल्टा एन जी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो देन एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज. तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है किसका क्या है. तो इन सर्टेन कंडीशन दिस वैल्यू कैन ऑल्सो बी इंटरनल एनर्जी चेंज. और यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है किलो जूल पर मोल के अंदर. तो अब इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो डेल्टा एच जो होगा हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.45 इंटू 28 बाई 3.5 और किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 10 टू द पावर 3 से वापस से डिवाइड कर देता हूं. तो ये किलो जूल के अंदर जो है हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी, या फिर डायरेक्टली आपको यहीं पे जो है डायरेक्टली वैल्यू लेकर के आंसर करना चाहिए था. तो ये एक कैलकुलेशन पार्ट हो गया. कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा. तो ये कैलकुलेशन किया होगा आपने और कैलकुलेशन करने से आपको पता लग गया है कि इसका क्या आंसर आ रहा है. तो देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या है. और ऑफिशियल आंसर जो है वो 9 है.
ठीक है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अगेन एक इंटीजर टाइप का ही है और 2009 से ही है ये. और ये कह रहा है कि एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस एक्स मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 40 इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस वाई एट 60 केल्विन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस वाई इज. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को जो है वो इक्वेट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये आरएमएस स्पीड है किसी गैस का, सो वी आरएमएस ऑफ ए गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 40 इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस. सो वी एमपी ऑफ द गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास 40. तो ये जो रूट आरएमएस स्पीड होती है वो अंडर रूट 3 RT बाई एम होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो अंडर रूट 2 RT बाई एम होता है. तो अब यहां पर जो है एक गैस जो है हमारे पास में उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है एम और दूसरी गैस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास एम डैश है. तो यहां पे जो है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस एक्स, ये जो है कोई गैस एक्स है, गैस एक्स, और ये यहाँ पे कोई गैस वाई है. तो ये मोलर मास ऑफ गैस एक्स हो गया और ये मोलर मास ऑफ गैस वाई हो गया. अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज पुट अप करके. एक का टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास में 60 केल्विन और दूसरे का टेम्परेचर जो है वो गिवन है 400 केल्विन. सो अंडर रूट 3 R जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, स्पीड गिवन है, ये हमारे पास में 400 केल्विन पर दे रखा है. केमिस्ट्री में हम स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम ही लेते हैं. और ये यहाँ पर इसका मोलर मास जो है वो 40 गिवन है और दूसरा जो हम देखेंगे तो ये अंडर रूट 2 R 60 केल्विन गिवन है. इसका मोलर मास जो है हमें फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस वाई क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. तो ये जो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन करके मोलर मास ऑफ वाई के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं इसका क्या आंसर है. तो देखिए सिलेबस हमने देखा था, तो सिलेबस के अंदर बेसिकली ये जो है ऑप्शन दे रखे थे कि वेरियस टाइप की जो स्पीड्स है मॉलिक्यूलर स्पीड्स उन पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. तो ये क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे. तो इन फॉर्मूलेज को आप और रिवाइज करिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, और ये जो एवरेज स्पीड क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आरएमएस स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, इसमें जो जो वेरिएशंस आप सोच सकते हैं वो सारे वेरिएशंस कंसीडर कर लीजिए. नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में अगेन. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁻⁴. द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट इज. बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट गिवन है. बेंजोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो जनरली वीकर एसिड्स होते हैं. तो ये जो वीकर एसिड्स हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है. अब इस बेंजोइक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, उसकी पीएच हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. इसको हम ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं C6H5COONa टाइप का हो गया. सो इट्स अ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड और इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच अगर हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो काफी कम ही है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन की जो नेचर होगी वो अल्कलाइन होगी और इनकी पीएच ग्रेटर देन 7 ही आएगी. तो पीएच इक्वल्स टू 7 ½ pKa प्लस ½ log C. C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ द सॉल्ट दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस और यहां पर इसका जो आयन वीकर कंपोनेंट से जो आ रहा है दैट आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. तो सोडियम तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है और ये जो हमारा बेंजोएट आयन है ये वीक से आ रहा है. तो पीके की वैल्यू अगर देखेंगे तो नेगेटिव log ऑफ K इसका 1 × 10⁻⁴ है, तो पी के इसका हो जाएगा 4 और उसका हाफ जो आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा. सो पीएच इज इक्वल टू 7 + 2 हो गया प्लस हाफ लॉग ऑफ सी और सी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन. तो जो कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्ट की है वही कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर जो एनाइन प्रेजेंट है उसकी है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻². तो यहां पे इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा. तो ये हमारे पास में जो है माइनस वन आ गया और उसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये पी एच आ जाएगा. तो ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट हो गया आपका. कैलकुलेशन करने से आपको पता लगेगा इसका क्या आंसर आएगा. तो दैट इज आंसर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 के पेपर 1 से आ गया और ये कह रहा है द स्पीसीज विच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन. तो ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस का जो है वो जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो के अंदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, तो एक कोई कंपाउंड अगर है तो उसका जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये नॉन जीरो होता है. कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो एलिमेंटल फॉर्म उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है या लेस स्टेबल फॉर्म है उसके अनुसार हम इसकी जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं. तो जीरो वैल्यू उसी को असाइन की जाती है जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है और एलिमेंटल फॉर्म में भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप पता है आपको कि वाइट फॉस्फरस जो है एक मतलब मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है बट स्टिल इसका जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो हम एज्यूम करके रखा हुआ है. तो यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में तो ए और बी नजर आ रहा है और ए की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है 298 केल्विन पर दैट इज नॉट गैसियस फॉर्म, दैट इज लिक्विड फॉर्म. तो इसके लिए तो नहीं हो सकता है. क्लोरीन जो है वो एक गैसेस सब्सटेंस है तो 298 केल्विन पर इसकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो गैसेस फॉर्म ही है. तो Cl2 का जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी एक्सपेक्टेड है और वो आंसर बी आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर जो है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो अब आप यहां पे देखिए कि ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, इनका अगर हम हाफ कर देते हैं, सिस्टम का हाफ कर देते हैं तो इन प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या नहीं होगा. तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास में जो है वो कोई एक सोल्यूशन है आयन एक सॉल्ट का, ठीक है, उसका दो इक्वल हाफ में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पर मोल जो कंडक्टिविटी निकालेंगे वो तो सेम ही आएगा. तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है. तो एक तो किसी में भी अगर मोलर वर्ड अटैच है तो इसका मतलब है कि वो एक क्वांटिटी जो है वो पर मोल के लिए. तो पर मोल जब भी आप निकालोगे तो हमेशा वो सेम ही आएगा. तो इसलिए ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो भी एक हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ही है. रेजिस्टेंस और हीट कैपेसिटीज जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है. रेजिस्टेंस एंड हीट कैपेसिटीज आर नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो इसके आंसर जो है मेरे हिसाब से ए और बी होने चाहिए. चेक कर लेते हैं क्या है. ये ए और बी ऑफिशियल आंसर है इसके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 KOH एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशंस आर प्रोवाइडेड द पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच फॉर्म अ बफर अपॉन मिक्सिंग इज आर. दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने से बफर बनेगा या नहीं बनेगा ये आपको देखना है. आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशंस है तो देखिए ये हमारे पास में ए ऑप्शन में जो गिवन है वो दोनों ही एसिड है तो इन दोनों एसिड के बीच में कोई रिएक्शन तो होगी नहीं और दो एसिड का मिक्सचर जो है कभी भी बफर नहीं हो सकता है तो ए को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा जो है बेसिकली एक सॉल्ट है. अब यहां पे ये जो सॉल्ट है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है तो इन दोनों को मिला देंगे. दोनों का ही सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक ही होगा. तो नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जिसमें कोई एक एसिडिक टाइप का कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा कोई बेसिक टाइप का कंपोनेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दोनों ही बेसिक टाइप के कंपोनेंट है तो ये बी ऑप्शन वाला जो है बफर नहीं बन सकता. सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन के अंदर बेसिकली एक सॉल्ट है वीकर एसिड का और हम इसको मिक्स कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ. सो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट. तो इसका मतलब है सपोज अगर मैं जो है वी वॉल्यूम जो है वो सोडियम एसिटेट का ले लेता हूं और वी बाय टू वॉल्यूम जो है मैं HNO3 का ले लेता हूं. V वॉल्यूम सोडियम एसिटेट का ले लिया और V बाई टू वॉल्यूम जो है मैंने HNO3 का ले लिया और दोनों को मिला दिया इस चीज के लिए. ठीक है, तो क्या होगा HNO3 सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर कुछ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो सारा HNO3 कंज्यूम हो गया और हमारे पास में कुछ सोडियम एसिटेट बच गया और एसिटिक एसिड बच गया. सो रिमेंबर वेन एवर वी मिक्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वी मे गेट बफर प्रोवाइडेड हम इनको
किसी सर्टेन प्रोपोर्शंस में अगर मिक्स कर रहे हैं, तो सी को मिक्स करके हम एक बफर बना सकते हैं, और डी तो आपका डायरेक्टली एक बफर है ही है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट्स अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। सी के अंदर मैं वापस से क्लेरिफाई कर देता हूं कि कैसे मैंने सोचा है कि क्या बफर बनेगा, क्यों बनेगा। तो ये मेरा आइडिया यहां पर यह है कि हमने सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन लिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के हैं और इसको HNO3 के साथ हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे कहा था हम इसका VML ले रहे हैं और इसका जो है वो हम V/2 ml ले रहे हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम ही है, ये भी सी कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी सी कॉन्सेंट्रेशन है। जस्ट विजुलाइज करने के लिए हम ले लेते हैं, लेट से ये 1 molar है और ये जो है वो भी हमारा 1 molar है, तो आप देख सकते हो आप कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ये नहीं होगा और ये V-V/2 जो है वो बच जाएगा इसका, और यहाँ पर जो है ये बनेगा एसिटिक एसिड और ये HNO3 बन जाएगा, ये रिएक्ट करेंगे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड, सो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट, तो ये बन जाएगा V/2 और ये भी बन जाएगा V/2। इसका सॉल्यूशन की पीएच में कोई रोल नहीं होगा, ये एक सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक टाइप का स्पेक्टेटर है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर हमें ये एसिटिक एसिड नजर आ रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में ये सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, इसका मैंने VML ले लिया, इसका मैंने V/2 ml ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने से एक रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन का रिजल्ट जो है हमारे पास ये तीन सब्सटेंसेज है, इन तीन सब्सटेंसेज में से ये सब्सटेंस जो है वो एक स्पेक्टेटर टाइप का, इसका कोई रोल नहीं होगा सॉल्यूशन की पीएच में, ये वीक एसिड है और ये इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो ये एक बफर की कंडीशन हो गई हमारे पास में। डी ऑप्शन में जो दे रखा है वो इस क्वेश्चन के अंदर, इस सी ऑप्शन के अंदर मिक्स करने से बन गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा इस एक्टिविटी से, सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।